आज मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम भोपाल द्वारा लगभग 2.55 करोड़ से निर्मित 24 आरक्षक आवास गृह सिरोंज जिला विदिशा के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्रीय विधायक श्री उमाकांत जी शर्मा सम्मिलित हुए। वहीं विधायक उमाकांत शर्मा जी ने बताया कि पुलिस 24 घंटे हमारी सेवा में लगी रहती है, तब हम जाकर चैन की नींद सोते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मेरी पुलिस कर्मियों को राय है कि अपने पूरे परिवार के साथ गृह आवास में प्रवेश करें ताकि आपको भविष्य में कोई चीज़ की चिंता ना हो। पूर्व SDOP एवं सिरोंज में एक हेड की अपने घर में अचानक मृत्यु हो जाने का जिक्र भी करा। वहीं बताया कि अगर घर परिवार के सदस्य साथ हों तो पुलिस कर्मियों को आगे कोई परेशानी नहीं आती। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक विदिशा श्रीमती मोनिका शुक्ला ने की। वहीं SP मैडम ने मध्य प्रदेश शासन काल एवं क्षेत्रीय विधायक का आभार व्यक्त किया और पुलिस कर्मियों के लिए गृह आवास बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लेकर धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में सिरोंज अनुविभागीय अधिकारी प्रवीण प्रजापति जी, सिरोंज SDOP एवं थाना प्रभारी सहित समस्त पुलिसकर्मी एवं वरिष्ठ नागरिक गण उपस्थित रहे। कमी हो तो मुझे बताएं। नगर पालिका SDM साहब भी ध्यान दें। अब जा आपकी कॉलोनी पुरानी पड़ साहब चंदा ले लो मुंह से, लेकिन इसे बतवा अच्छा लग रहा है इतना कहो। और ये दोनों कॉलोनी बीच में एक अच्छा उद्यान बन जाए, ये सड़क और अच्छी हो जाए, इसके भी कई जगह उखड़ गई। एडिशनल साहब मंचा सिंह सिरोंज शहर के सभी निर्वाचित सभी गणमान्य नागरिकगण, SDM साहब, SDOP साहब, मेरे पत्रकार बंधुओं और माननीय विधायक महोदय के द्वारा आज इसका लोकार्पण अभी आपके सामने किया गया है। लगभग 255 लाख रुपए की लागत से ये आवास गृह हमारे सिरोंज के पुलिस कर्मियों के लिए सभी माननीय अतिथि द्वारा इसका अवलोकन किया गया। मैं सभी पुलिस कर्मियों सभी पुलिस साथियों को बधाई देती हूँ। 24 घंटे में पुलिस की राजनीति क्या होती है और कर्मचारी हम कुछ हमी इतनी खराब हो गई कि लोग नेता के नाम पर घृणा करें, यही सोचते पक्का भ्रष्ट हो गया। इसलिए पुलिस का नाम नहीं ले रहा, मैं मेरे लिए ही योग कर रहा हूं। मैडम मैं बात नहीं कर रहा नक्सल क्षेत्र की, मैं बात नहीं कर रहा सीधे सीधे संघर्षों में गुजरे हुए जवानों की, मैं बात नहीं कर रहा हाल ही में आरोन में शहीद हुए अच्छे काम के लिए रोकने गए थे उन जवानों की, मैं तो साक्षात घर का अभाव सिरोंज जैसी तहसील में नवाब के समय अकबर के समय जो बड़ा समृद्ध शहर था सन 1931 तक विदिशा और वासुदा से बड़ा था, उसमें हमारे कर्मचारियों के पास पुलिस के पास क्वार्टर नहीं, पुलिस विभाग के थाने के पीछे 5-6 मकान बने, कितने बने दिवाली के टूटे फूटे जीर्ण शीर्ण, आप आश्चर्य करेंगे। और इसलिए मैं सबसे कह रहा हूं पुलिस जनों से, मुझे कहने का अधिकार नहीं है यहां, सब अपने परिवार को सांप रखें। मैडम मुझे SDOP जी गुप्ता साहब सिरोंज उज्जैन के रहने वाले थे, उनका SDOP कार्यालय पुराना बुराना रकाबगंज स्कूल के था, वो अकेले रहते थे और वो गुजर गए ना पता ही नहीं चला कि SDOP साहब जीवित हैं या चल रहा 10-1 साल हो गया। वर्मा जी गुप्ता योगेंद्र गुप्ता से बेचैनी हुई होगी या कोई इतने अच्छे आदमी के कर्मचारी नहीं है और चले असमय। ऐसे ही
एक शिवचरण राजपूत नाम पता नहीं परियार लेता था, परियार में बहुत लंबे समय था, वो भी अपने निवास पर अंता पहले पुलिस के जवान कई कामों में शहीद हो जाते थे और थोड़ा बहुत बीमा और राशि मिलती थी, प्रावधान मुझे मालूम नहीं था तो की जाना चाहिए। आह्वान करता हूं जब हम लोग भिंड इटावा मुरैना की ओर जाते हैं, सुबह जाए शाम को जाए दोपहर में भी हो, जिनके मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग सेना में और पुलिस में आते हैं, ये रोजगार के श्रेष्ठ अवसर भी इस बात का है कि काम देर से हो गया। 3 बार तो मैं यहां घूम गया और ये जो पानी की के लिए 24 नवनिर्मित आवास गृह के कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण माननीय विधायक महोदय द्वारा किया गया। वर्ष 2018 से इसका निर्माण किया जा रहा था और लगभग 255 लाख रुपए लागत आई थी और आशा और धन्यवाद देती हूँ शासन को जिन्होंने हमारे पुलिस कर्मियों को इतने अच्छे आवास दिए हैं। इस आवास गृह में रहने के बाद उनकी कार्यदक्षता और अधिक बढ़े ऐसा हम प्रयास करेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू।